तो भैया जी पेट्रोल के प्राइसेस तो स्पेस एक्स के सेटेलाइट से भी ऊपर जा रहे हैं। पेट्रोल प्राइसेस 14th टाइम इंक्रीज़ हुए हैं जून के मंथ में ही, जिसके चलते दो और स्टेट्स में पेट्रोल के प्राइसेस 100 रुपये को क्रॉस करते हुए बिहार के पटना में हो चुके हैं 100.14 पर लीटर और केरला के तिरुवनंतपुरम में 100.09 रुपीज़ पर लीटर। इससे पहले मुंबई, भोपाल, बेंगलुरु और हैदराबाद में प्राइसेस ऑलरेडी 100 रुपये को क्रॉस कर चुके हैं और इनफैक्ट भोपाल में तो पेट्रोल 106 रुपये का भैया जी, बहुत महंगा है। वैसे मैं भी यार दिवाली में कार लेने का सोच रहा था, बट अब तो सोच रहा हूँ कि जितने की कार लेंगी उससे ज़्यादा तो अब पेट्रोल खर्चा हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इस तरह पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते रहे तो लोग ईवी और सीएनजी वाली गाड़ी ज़्यादा खरीदेंगे या पेट्रोल वाली गाड़ी का मजा सीएनजी में कहाँ, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि ट्विटर ने अपने ताबूत में एक और किल गाड़ दिया है आईटी मिनिस्टर आरएस प्रसाद का ट्विटर अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक करके। बस फिर क्या था, उन्होंने बैक टू बैक 6 ट्वीट कर दिए स्वदेशी कू ऐप में सारे सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए और कहा कि ट्विटर ने इंडियन रूल्स का वायलेशन किया है ऐसा करके। ट्विटर ने एडमिट करते हुए ये कहा कि उन्होंने ये डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट इशू के चलते किया था, बट फिर 1 घंटे बाद दोबारा एक्टिवेट भी कर दिया। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट DMCA एक यूएस का आईटी रूल है, 1996 में कॉपीराइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंप्लीमेंट किया गया था। बट भैया मुद्दे की बात यह है कि ट्विटर ने नए वाले इंडियन आईटी रूल्स को तो अब तक इंप्लीमेंट किया नहीं। बात करते हैं DMCA की, ये इंडिया है या इंडियन रूल्स चलेंगे ऐसा मैं नहीं यार गवर्नमेंट कहना चाह रही है। तो आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। गौतम अदानी साहब ने अपने 59th बर्थडे पे ट्वीट करते हुए अपने ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट को कंग्रेचुलेट किया और कहा कि मेरे लिए इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट और क्या हो सकता है कि हमारे क्वींसलैंड के कार्मिकल कोल माइन में एक्सट्रैक्शन शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि अब हम अपने नेशन को और ज़्यादा कोल प्रोवाइड कर पाएंगे, जिसके चलते हमारी एनर्जी नीड को स्ट्रेंथ मिलेगी और अफोर्डेबल रेट्स में इंडियंस को एनर्जी मिल पाएगी। अदानी ग्रुप का क्वींसलैंड कार्मिकल कोल माइन में माइनिंग का सपना ऑलमोस्ट 1 डिकेड के बाद अब जाके पूरा हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के चलते अदानी को बहुत प्रोटेस्ट का सामना भी करना पड़ा था पीछे इन ऑस्ट्रेलिया, एंड अदानी तो अदानी है भैया, जो ठान लिया वो तो करना ही करना है। वैसे तो हम लोगों को अपने घर के कंफर्ट में रहकर ऑनलाइन ऑर्डर करने में कितना मज़ा आता है, कैसे एक क्लिक पे चीज़ें हमारे घर पे डिलीवर हो जाती हैं, बट क्या आप लोगों को पता है जब आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसी वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं तो वो आपके चॉइसेस को तक मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप लोगों को चाहिए होता है इमरजेंसी लाइट, बट जैसे ही आप लोगों ने अमेज़न खोला नहीं कि 2-4 चीज़ें और भी ऑर्डर हो ही जाती हैं। इसी के ऊपर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि इन बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट को अपनी टेक्नोलॉजी और मनी पावर का ऐसा यूज़ नहीं करना चाहिए टू क्रैब लार्ज पोर्शन ऑफ द मार्केट। ये कंपनी जो टैक्टिक्स यूज़ करती है वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। किस तरह ये बड़ी ई कॉमर्स कंपनी, स्पेशली यूएस की कंपनीज, लॉस में रहकर भी हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करती है टू कैप्चर लार्ज पोर्शन ऑफ द मार्केट। किस तरह ये कंपनी सेल के नाम पर चीज़ों को इतना सस्ता बेच देती हैं कि हमारे लोकल दुकानदार इनके आसपास तक नहीं भटक पाते। और अगर CCI या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको कुछ कहा दिया तो वकीलों की फौज लेकर ये सीधा कोर्ट पहुंच जाते। किस तरह ये कुछ लोगों को नौकरी देने के नाम पर इन्वेस्टमेंट करती है, बट इन प्रैक्टिसेस के चलते कितने ही लोकल दुकान बंद हो जाते हैं इनकी जानकारी किसी को नहीं है।